आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन. अब ब्रजेश के सारे जो पत्ते थे ऑल वेंट फ्लॉप एंड अभी उसका लास्ट चांस है, उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं एंड दिस इज इट फॉर हिम. तो उसका एक लास्ट प्लान था कि यू नो ही विल डू समथिंग टू गेट पीपल्स इमोशंस बैक टूवर्ड्स हिम. और मैं आपको एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, पर हाँ इसमें एक एक पॉइंट ऐसा आता है कि व्हेन आई एम लीविंग द हाउस समथिंग ड्रामेटिक हैपेंस एंड आई गो एंड सेव शुभ. मैं शुभ को बचाता हूँ और उससे सबके इमोशंस वापस यू नो कि हाँ भाई ब्रजेश इज़ अ फैमिली गाय और गलतियाँ हो गई उससे. लेकिन सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सीन बिकॉज ये उसका लास्ट चांस था टू प्रूव हिमसेल्फ दैट इज़ अ गुड गाय. तो एंड दैट्स व्हाट ही डज इन द एंड. सब आके गले मिलते हैं एंड ऑल्सो वेल प्लान सक्सेसफुल ब्रजेश का. जी हाँ, बिंदिया और ब्रजेश तो पहले से ही देव बीन अ टीम डूइंग ऑल द बैड थिंग्स इन द हाउस. पर इस बार बिंदिया भी चौंक जाती है कि अरे ऐसा क्या कर लिया ब्रजेश ने कि सब लोग आके उसे हग कर रहे हैं. लाइक व्हाट इज़ दिस न्यू प्लान, लाइक हाउ कैसे पलट गए सब लोग. सो शी वाज सो शॉक एंड इन अ वे ब्रजेश ऑल्सो इज अ बिट टेकन अबैक कि वाओ लाइक यू नो फाइनली दे ऑल स्टार्टेड बिलीविंग मी. सो आई थिंक पिवोटल सीन इन दिस. Of course, Brijesh is Brijesh. He loves the money and he's only after the money. So, yeah, with Bindiya, they have the same goal to get the money. So, of course, agla scene hi hai jahan pe main thoda reveal karta hu Bindiya ko ki main aage kya karne wala hu. So, if your guys are around, I think you all will get a chance to see that also.